आज की जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपकी फेवरेट कंपनी अमेजोन की तरफ से। काफी टाइम बाद अमेजोन इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्ट टाइम बीसीएस एंड फुल टाइम बीसीएस की जॉब ओपनिंग्स आई हुई है। बल्क हायरिंग चल रही है और दोनों ही प्रोसेस में अप्लाई करने का क्राइटेरिया सेम रहेगा, साथ ही जो असेसमेंट टेस्ट होगा वो भी आपको सेम भी देखने को मिलेगा। असेसमेंट टेस्ट को कैसे देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों को असेसमेंट टेस्ट कैसे क्लियर करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ आगे मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो 12th पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस आर ऑल्सो एलिजिबल। पार्ट टाइम बीसीएस रोल के लिए क्लियरली कंपनी ने मेंशन किया हुआ है दैट कैंडिडेट पासिंग एनी रेगुलर कोर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की जो की रहेगी सैलरी। तो यहाँ पे पार्ट टाइम बीसीएस की जो सैलरी रहेगी वो होगी 2.5 लाख पर एनम तक, यानी कि 20,800 रुपीज पर मंथ आपको देखने को मिलेंगे। 20 आवर्स आपको पर वीक काम करना होगा, 5 डेज वर्किंग होगा एंड 2 डेज आपको ऑफ मिलेगा। फुल टाइम बीसीएस की सैलरी देखने को मिलेगी 2.5 से लेकर 4.33 लाख पर एनएम की, यानी कि 36,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। सैलरी के अलावा यहाँ पे मिलेंगे मल्टीपल एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 1, जेटा मील कार्ड आपको 1,100 रुपीज पर मंथ मिलेंगे मील कार्ड के। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो आप मील कार्ड को ऑफिस में यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका अमाउंट आपको मिल जाएगा 13,200 रुपए पर एनएम के हिसाब से। नेक्स्ट रहेगा इंटरनेट अलाउंस जो कि होगा 1,250 रुपए पर मंथ एंड पर एयर बेसिस पे आपको मिलेंगे 15,000 रुपए फॉर वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट मिलेगा आपको ट्रेवल अलाउंस जो कि रहेगा 4,000 रुपीज पर मंथ का एंड 48,000 रुपीज पर एनएम ओनली इन केस ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस। इसके अलावा मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज का। अब यहाँ पे जब आप काम करोगे तो आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स भी होगी और जब भी आपकी नाइट शिफ्ट होगी उसका आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा जो कि होगा 150 रुपए पर शिफ्ट। 5 डेज वर्किंग होगा एंड 2 डेज कॉन्सिक्यूटिव ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको देना होता है असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे जो कि मैंडेटरी रहते हैं। जैसे To apply and complete the assessment, you will need a laptop PC with webcam and headphone with good microphone. तो यहाँ पे जो आप असेसमेंट टेस्ट दोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप लैपटॉप और पीसी के थ्रू ही दे सकते हो। आपके पास गुड हेडफोन या फिर माइक्रोफोन होना जरूरी है जब आप इस असेसमेंट टेस्ट को दे रहे हो। डू नॉट अप्लाई फ्रॉम मोबाइल फोन और टेबलेट। तो यहाँ पे आप मोबाइल फोन और टेबलेट के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो और ना ही आप असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो मोबाइल और टेबलेट से। असेसमेंट शुड बी अटेम्प्टेड इन एन अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट विद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम 20 Mbps। तो जब भी आप असेसमेंट टेस्ट दे रहे होंगे आपका जो एनवायरमेंट है वो नॉइस फ्री होना चाहिए, साथ ही जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी स्टेबल होना चाहिए मिनिमम 20 Mbps। Assessment should be attended only on laptop, desktop with functioning webcam and uses of headphone with microphone is must be proficient in English. जब आप assessment test दे रहे हो तो आपका webcam on होना चाहिए, आपकी जो activities है वो यहाँ पे note की जाएंगी, साथ ही आपके पास microphone भी होना चाहिए headphone के साथ, क्योंकि कुछ task ऐसे होंगे जिनमें आपको बोलना होगा। प्लीज डू नॉट टेक हेल्प ड्यूरिंग द असेसमेंट एज द प्रोसेस इज एंटायरली रिकॉर्डेड। तो आप किसी की यहाँ पे हेल्प नहीं ले सकते हो, प्रोसेस पूरा एंटायरली रिकॉर्डेड होता है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत टाइम आपको सेम क्वेश्चन भी असेसमेंट में देखने को मिल जाते हैं। अब जब भी आप अप्लाई करोगे अमेजोन जॉब्स में तो आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना होता है। वर्क फ्रॉम होम जॉब भी रहेगी लेकिन लोकेशन आपको चूज करनी होगी, तभी आप वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे कर पाओगे। अगर आपकी जो लोकेशन है वो मेंशन नहीं है तो आप अपनी नियर बाय लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्शन के बाद वहाँ पे रीलोकेट होके वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग लिंक में क्लिक करोगे। लिंक में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट टेस्ट का लिंक मिलेगा। इस लिंक को आपको कॉपी करके गूगल में पेस्ट करना है। आपको कंप्लीट जॉब डिटेल मिल जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई में क्लिक करना है।
फिर से स्क्रॉल डाउन करके एक्सेप्ट करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट वन में जाएंगे। और अब यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना लीगल नेम, लीगल सर नेम, प्रिफर्ड फर्स्ट नेम, प्रिफर्ड सर नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है ये। ईमेल एड्रेस देना है, री एंटर करना है ईमेल एड्रेस को, देन आपको अपना फोन नंबर देना है, री करना है मोबाइल नंबर को, प्रिफर्ड लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश ही यहाँ पे मेंशन है तो आपको इंग्लिश ही मेंशन करना होगा। प्रिफर्ड टाइम जोन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशनड है, इसे नहीं छेड़ना है। देन आपको यहाँ पे सिक्स डिजिट का पिन एंटर करना होगा, क्रिएट करना होगा एंड री एंटर करना है पर्सनल पिन को। देन आप यस करके नेक्स्ट कर सकते हो एंड अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हो। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी आप दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास आएगा असेसमेंट टेस्ट का मेल। इस टाइप से ये मेल रहने वाला है, Amazon Versant ऑनलाइन टेस्ट इनविटेशन। तो यहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट सब कुछ मेंशन है, साथ ही आपको URL लिंक मिल जाएगा असेसमेंट के लिए और यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी मिल जाएगा, जिसको एंटर करके आपको असेसमेंट टेस्ट को स्टार्ट करना होगा। तो ये है टेस्ट का ओवरव्यू। टोटल 5 सेक्शंस रहने वाले हैं, 5 पार्ट्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स में आपका टेस्ट होगा। पार्ट ए रहेगा टाइपिंग का, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट बी रहेगा सेंटेंस कंप्लीशन का, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट सी रहेगा डिक्टेशन का, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट डी रहेगा मैसेज रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड पार्ट ई रहेगा ईमेल राइटिंग का, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टू स्टार्ट द टेस्ट प्लीज क्लिक नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, टाइपिंग। दिस सेक्शन अलाउज यू टू गेट यूज टू द कीबोर्ड एंड ऑल्सो मीजर योर टाइपिंग स्पीड। यू विल हैव 60 सेकेंड टू टाइप एज मच एज यू कैन। टाइप क्विकली एंड एक्यूरेटली। कीप टाइपिंग अंटिल योर टाइम इज अप। योर वर्क विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको 60 सेकेंड का टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए। जैसे एक साइड में आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा और एक साइड में आपको टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर ओवर 50 ईयर्स अ ब्रिटिश कंपनी हैज बीन मेकिंग अ क्लासिक इंग्लिश स्पोर्ट्स कार। द कार इज मोस्टली हैंडमेड इन द कंपनीज फैक्ट्री इन वेस्टर्न इंग्लैंड। तो सिंपली ये टेक्स्ट है, इसको आपको यू टाइप जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें टाइप करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपके सामने टेक्स्ट आ जाएगा और इसको आपको पैसेज में लिखना होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। जितने ज्यादा वर्ड्स हो सके उतने ज्यादा आप टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, अपने पीसी या फिर लैपटॉप में एमएस वर्ड को ओपन करके टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा सेक्शन बी, प्लीज टाइप 1 वर्ड that best fits the meaning of the sentence. Type only 1 word. You will have 25 seconds for each sentence. Click next when you are finished. इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, It's dash tonight, bring your sweater. तो आपको यहाँ पे जो डैश बना हुआ है इसमें टाइप करना होगा। आंसर रहेगा इसका कोल्ड, It's cold tonight, bring your sweater. तो ये एग्जाम्पल है, अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लव पेट्स, आई एम अ मेंबर ऑफ एन डैश प्रोटेक्शन राइट्स ग्रुप एंड डू वॉलंटियर वर्क वंस अ मंथ। तो मेंबर ऑफ एन एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स ग्रुप। साथ ही आपको ये ध्यान भी देना है कि टाइमर भी चल रहा होगा, 25 सेकंड्स आपको टाइप करने के लिए मिलेंगे, उसी में ही आपको सेंटेंस को रीड भी करना है और करेक्ट आंसर को फिल भी करना है। वी हैव मेड डैश टू गो टू पेरू फॉर आर वेकेशन बट वी चेंज्ड आर माइंड एट द लास्ट मिनट। वी मेड अ अरेंजमेंट्स टू गो टू पेरू।
नेक्स्ट है आई रिसेंटली डैश फ्रॉम द बर्लिन ऑफिस टू द टोक्यो ऑफिस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने गूगल में सर्च किया था और जब मैंने गूगल में सर्च किया तो brainly.in करके एक वेबसाइट है, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं जो कि अमेजोन के वर्सन टेस्ट में पूछे जाते हैं। ब्रेनली के क्वेश्चन से भी आप चेक कर सकते हो, ब्रेनली वेबसाइट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने सर्च किए हैं वो सारे ब्रेनली में अवेलेबल हैं, तो ब्रेनली से आप लोग हेल्प ले सकते हो। और ब्रेनली में जितने भी सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन हैं उनको रीड आउट कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अपने वर्सन टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे आना चाहिए आई वॉज रिसेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्लिन ऑफिस टू द टोक्यो ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस यू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग एल्स फॉर द डैश ऑफ द वीक प्लीज फोकस योर अटेंशन ऑन फिनिशिंग द एक्सपेंस रिपोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। द एम्प्लॉयज ऑफ आर फैक्ट्री मस्ट फॉलो अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। Although sales were down last quarter, the owner had high dash that business would improve soon. High profits. The program dash a wide section of courses to any interested employee at the minimum charge. Program offers. Next section rahega dictation ka. Please type sentence exactly as you hear it. You will have 25 seconds for each sentence. Pay attention to spelling and punctuation. Click next when you are finished. After 25 seconds, your work will be saved automatically. तो अब आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा। सेक्शन के लिए हेडफोन होने नेसेसरी हैं आपके पास। ध्यान से सेंटेंस को सुन पाओ। जैसे सेंटेंस में कहा था कैन यू वर्क ऑन मंडे, तो आपको टाइप करना होगा कैन यू वर्क ऑन मंडे, और टाइप करने के लिए आपको 25 सेकेंड्स मिलेंगे। अदरवाइज आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जंप कर दोगे। फोर्थ रहेगा टाइप डी पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको यहाँ पे पैसेज को रिकंस्ट्रक्ट करना है। यू विल हैव 30 सेकंड्स टू रीड अ पैराग्राफ। आफ्टर 30 सेकंड द पैराग्राफ विल डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन। शुड अंडरस्टैंड द पैसेज बाय रीराइटिंग इट इन योर ओन वर्ड्स। योर आंसर विल बी स्कोर्ड फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट कंटेंट, not word for word memorization. After 90 second your work will be saved automatically. यहाँ पे 30 second मिलेंगे आपको paragraph को read करने के लिए। After 30 second वो paragraph जो है वो disappear हो जाएगा and then आपको 90 second मिलेंगे paragraph को reconstruct करके लिखने के लिए। आपको paragraph को याद नहीं करना है, reconstruct करना है आपको sentence में, ताकि उसका जो meaning है वो same रहे, meaning change नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपके सामने ये एक पैसेज है, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे इस पैसेज को रीड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डिनर लास्ट नाइट, वी हैड अ रियली गुड टाइम, वी वर स्पेशली ग्लैड टू बी एबल टू मीट योर लिटिल डॉटर, आई होप यू विल बी एबल टू कम टू विजिट अस समडे सून, लेट्स स्टे इन टच। सेंटेंस है, इसको आपको मेमोराइज करना है एंड रिकंस्ट्रक्ट करके लिखना होगा। लास्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे ईमेल राइटिंग का। Read a description of a situation and write an email addressing the issue described in the situation. You will have 9 minutes. So 9 minute ka time aapko yahan pe milega aur aapko 100 words likhne hain 9 minutes mein. You will be able to see how much time is left and how many words you have written. To words aap kitne likh rahe ho aur kitna time bacha hua hai kuch aapko screen pe dekhne ko milega. Write incomplete sentences. If you do not finish in 9 minutes, everything you have written will be saved automatically and the next item will begin. Email writing. तो ये यहाँ पे आपको information दी हुई है, इसको आपको read करना है. You work for a construction company. You think the company needs a new employee. Write an email to your manager, Mr. Jonas, telling him why you think your company needs to hire someone. Your reason must come from the following three themes. Too much work, expert needed, missed business opportunities. You should include all three themes, provide supporting ideas for each of your reason. तो 100 words में आपको इन तीनों themes का use करते हुए email लिखना है। Email को आप कैसे लिखोगे वो आप screen पे देख सकते हो। Complete email का format,
एंड तीनों थीम्स को यूज करके ईमेल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर आप लोग चाहो तो इसी फॉर्मेट में ईमेल लिख सकते हो। हो सकता है क्वेश्चन जो है वो आपको चेंज मिले, लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो लगभग सेम ही रहता है, तो आप आइडिया ले सकते हो किस टाइप से ईमेल को लिखना है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के लिए। इस टाइप से ही आपको असेसमेंट टेस्ट देना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।